नाज़रीन इकराम, 17 रमज़ानुल मुबारक बदर के मैदान में तारीख़ इस्लाम का वो अज़ीम शान यादगार दिन है जब इस्लाम और कुफ्र के दरमियान पहली जंग लड़ी गई थी, जिसमें कुफारे कुरैश की ताकत का घमंड खाक में मिलने के साथ अल्लाह की मुट्ठी भर मुसलमान को गैबी ताकत नसीब हुई, जिस पर आज तक मुसलमान फख्र का इजहार करते आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू से जानते हैं कि 313 मुसलमानों ने लाखों दुश्मनों को कैसे हराया। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यारे दोस्तों, 13 साल तक कुफारे मक्का ने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा इकराम पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े। उनका ख्याल था कि मुट्ठी भर ये मुसलमान बेसरो सामा मुसलमान उनकी जंगी ताकत के सामने कैसे ठहर सकते हैं, लेकिन दोस्तों कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह की खास फतहो नुसरत से 313 मुसलमानों ने अपने से तीन गुना बड़े लश्कर को उसकी तमाम तर मादी और मानवी ताकत के साथ खाक चटाने पर मजबूर कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआ और जज्बा ईमानी से 70 काफिरों को जहन्नम में रशीद किया गया और 14 सहाबा इकराम ने शहादत का जाम नोश किया। उस दिन आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह दुआ फरमाई थी, ए अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ कि अपना वादा और इकरार पूरा कर। या अल्लाह, अगर तेरी मर्जी यही है कि काफिर गालिब हों तो फिर ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई ना होगा। उसी वक्त रब्बे कायनात ने फरिश्तों को वही देकर भेजा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अहले ईमान के कदम जमाओ, मैं काफिरों के दिल में तुम्हारी खौफ पैदा कर दूंगा और जब तुम काफिरों पर हमला करना तो उनकी गर्दनों और पोरों पर मारना। फिर नहायत ही इत्मीनान के साथ अल्लाह के रसूल ने आयते जिहाद की तिलावत फरमाकर मुसलमानों में वलवला अंगेज खिताब फरमाया। आपने ऐसे खिताब फरमाया कि मुजाहिदीन की रगों में खून का कतरा कतरा जोश मारने लगा। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को ये बशारत दी कि अगर तुम सब्र के साथ जंग के मैदान में जमे रहे तो अल्लाह जरूर आसमान से एक फरिश्तों का फौज भेजेगा जो तुम्हारी मदद करेगी। चुनांचे 5000 फरिश्तों की फौज मैदान जंग में उतर पड़ी और मैदान जंग का नक्शा ही बदल दिया। हजरत अली मुजाहिदीन का झंडा लेकर लहराने लगे और काफिरों के 70 आदमी कत्ल किए गए और 70 सरदारों को गिरफ्तार कर दिया गया और बाकी सारे अपने साजो सामान को छोड़कर जंग के मैदान से फरार हो गए। फिर मुसलमानों को बेशुमार माले गनीमत मिला जो कुफार छोड़कर जंग के मैदान से भाग गए थे। बदर के मैदान में लड़ी जाने वाली इस फैसला कुन जंग ने ये साबित किया कि मुसलमान न सिर्फ एक कौम है बल्कि मजबूत और ताकतवर फौज रखने के साथ साथ दुश्मन के वार को नाकाम करने की सलाहियत रखती है। दोस्तों, बदर का पूरा मैदान बदरे हुनैन है जो कि सऊदी अरब के सूबा अल मदीना में मदीना मनवरा शहर से 80 मील दूर शाम को जाने वाली सड़क पर एक गांव है। यहीं पर इस्लाम की पहली जंग लड़ी गई थी जिसमें इस्लाम के 313 जाबाजों ने मक्का के 1000 लश्कर को मात दी थी। हालांकि उन मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े थे, यानी फौज में सवार सिपाहियों की तादाद 2 थी और 313 मुसलमानों में किसी के पास कोई हथियार न था। हकीकत तो यह है कि जंग बदर इस्लाम के फलसफे जिहाद का नुक्ते आगाज है। नाज़रीन इकराम, जंग बदर को 1400 साल गुजर चुके हैं लेकिन आज भी इसकी याद मुसलमान की ईमान को ताज़ा कर देती है। सदियों बाद आज भी मकाम बदर इस बात की गवाही देता है कि यहाँ कुफारे मक्का को हार और मुसलमानों को फतेह नुसरत मिली थी। मौजूदा दौर में मुसलमान पस्ती की तरफ जा रहा है और कुफार उन पर गालिब हो रहे हैं। इसकी वजह यही है कि आज मुसलमानों के तमाम वसाइल मौजूद होने के बावजूद भी वो बदर अहद के जज्बे से आ रही है। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, तो कमेंट में एक बार आमीन जरूर लिखें। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।